ईएपीसी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबरशिप रिन्यूअल प्रोसेस अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी काउंसिल के मेंबर से यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सभी भली बात वाकिफ हैं कि मेंबरशिप रिन्यूअल जो है हर साल अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के दौरान किया जाता है। इस साल की भी मेंबरशिप रिन्यूअल के प्रोसेस को हमने शुरुआत कर दी है। सर्कुलर्स आप सबके पास पहुंच गए हैं, सर्कुलर की कॉपी डीजेपीसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। प्रोसेस पुराना ही है, आपको ऑनलाइन जाकर के जो चलान है चलान फिलअप करना है, चलान के द्वारा ही आपकी फीस कैलकुलेट हो जाएगी और एक बार फीस आपकी कैलकुलेट हो जाए तो आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद में अपनी चलान की कॉपी या कोई साइन किया हुआ पेपर्स काउंसिल में भेजने की दरकार नहीं है, आप उसे अपने सिस्टम में भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने आरटीजीएस या अदर ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य मोड से पेमेंट किया है तो हम चाहेंगे कि उसकी रिसीप्ट आप जो है ईमेल या तो ईमेल से भेज दें या तो वेबसाइट पे अपलोड कर दें जो आपने प्रावधान वहां पे किया हुआ है, जिससे आपकी मेंबरशिप इमीडिएटली रिन्यू हो जाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 2 साल के बाद में डीजेपीसी इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रोल तैयार करती है, तो ये दूसरा साल है और इलेक्ट्रोल की तैयारी 20 साल की जाएगी। तो आप सबसे आग्रह यही रहेगा कि चूंकि इलेक्ट्रोल में ऐसे ही नाम हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जिन्होंने अपनी मेंबरशिप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रिन्यू करवाई है, तो कृपया आप सब विशेष रूप से ध्यान रखें कि 1 अप्रैल से जैसे ये सिस्टम हमारा ऑनलाइन प्रोसेस का स्टार्ट हो जा रहा है, आप अपनी मेंबरशिप को प्रायोरिटी से रिन्यू करवा लें, जिससे आपको काउंसिल की तमाम ऐसे सर्विसेज जैसे कि किम्बली प्रोसेस सर्टिफिकेशन, जो केपी सर्टिफिकेट आप लेते हैं वो, और भी तमाम ऐसी सुविधाएं जो डीजेपीसी की तरफ से मिलती है, जिससे आपको अविरल मिलती रहे, आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके अलावा मेंबर्स से एक और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको आपके डैशबोर्ड के थ्रू इम्पावर्ड किया गया है कि आप अपने कर्मचारियों का, अपने आर्टिसंस का परिचय कार्ड बनवा सकते हैं। परिचय कार्ड काउंसिल के द्वारा एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विशाल मुहिम है, जिसमें हम जो भी आर्टिसन जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी के लिए हम एक परिचय कार्ड इशू कर रहे हैं, जिसके तमाम बेनिफिट्स हैं जिस पर हम आज यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम माई केवाईसी के लिए अधिक से अधिक टाइम आप देना चाहते हैं। तो परिचय कार्ड चूंकि आपके कर्मचारियों के लिए, आपके आर्टिसन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू अपने कर्मचारियों की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने एक सिस्टम जनरेटेड लिंक क्रिएट किया हुआ है, वो लिंक आप अपने कर्मचारियों के बीच में सर्कुलेट कर सकते हैं, कर्मचारी उस लिंक को फिलअप कर सकते हैं, उनका पूरा डेटा हमारे पास में आ जाएगा, ऑनलाइन मोड से ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ऑनलाइन मोड के द्वारा ही आपको परिचय कार्ड मिल जाएगा। परिचय कार्ड होल्डर को SMS के द्वारा एक लिंक जाएगी, इस लिंक को क्लिक करके वह कहीं भी अपने परिचय कार्ड को प्रिंट करवा सकता है। परिचय कार्ड आपको तमाम तरह की सिक्योरिटीज प्रदान करती है, जिसमें कहीं पे आप अगर कोई कस्टम या अन्य किसी सरकारी मुहकमे में जाने के बाद किसी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़े तो इस परिचय कार्ड के माध्यम से आप अपना आइडेंटिफिकेशन वहां पे प्रूव कर सकते हैं। ये पूरे भारत में कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए परिचय कार्ड बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। मित्रों, जो भी यहाँ पे फैक्ट्री और मेंबर्स कंपनीज जो हमारे हैं, जो उनके जो यहाँ पे डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स बैठे हैं, उनसे मैं एक और चीज निवेदन करना चाहूंगा कि आपके साथ में जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, आप उनका भी परिचय कार्ड बनवा सकते हैं और उनके लिए भी DJPC की स्वास्थ्य कोष की योजना है, जो कि काफी किफायती, काफी सस्ती योजना है। बहुत ही कम प्रीमियम में आप जो है उनकी फैमिली को कवर कर सकते हैं, तो उस पे विस्तृत जानकारी आपको अलग जो वेबिनार सब करते हैं उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, गत महीने आपकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, आपके बैंकिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए DJPC ने MSIC के साथ में
एमओयू साइन किया है और इस एमओयू का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो एनएसआईसी के पोर्टल के थ्रू अपनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट को सोर्स कर सके। आप एनएसआईसी के पोर्टल के थ्रू अपनी मशीनरी को अगर सोर्स करेंगे तो आपको सरकारी चैनल से बैंक फाइनेंस और उसके अतिरिक्त एक कॉम्पिटेटिव रेट्स में आपको मशीनरी अवेलेबल होगी। इसके अतिरिक्त यस बैंक के साथ में हम जो एमओयू किया है उसमें आपको पॉस अगर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए पॉस मशीन की सुविधा है और जिनको बैंकिंग फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो बैंकिंग फाइनेंस के लिए आप यस बैंक की हेल्प ले सकते हैं। सारे डिटेल्स काउंसिल की वेबसाइट पे एमएसएमई सेक्टर्स पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और अगर कोई चीजों के लिए आपको डाउट हो, कोई आपको और विस्तृत जानकारी आपको लगे कि मैं चाहिए तो आप हमारे मुंबई ऑफिस में एमएसएमई डिपार्टमेंट में हम आपको अभी ईमेल आईडी शेयर करेंगे, मिताली जो हमारे साथ में बैठी हुई है आप उनको संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो मित्रों मैं अब अधिक समय न लेते हुए जिस मूल मकसद के लिए माई केवाईसी के जिस पर्पस के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, मैं श्री प्रणय नार्वेकर जो सीईओ है माई केवाईसी के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर आप आए और जो है माई केवाईसी के ऊपर आप अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी। मैं पहले तो सब जो आए हैं मेंबर्स उनका स्वागत करता हूं। मैं भी जस्ट प्रेजेंटेशन शुरुआत करता हूं। ठीक है, नमस्कार। तो हमें सब को हमने सब ने सुना होगा कि माई केवाईसी है और हमें करना है और केवाईसी करना है, तो ये बहुत लोगों के मन में होगा कि ये क्या है, ये क्यों करना है, इससे मुझे क्या फायदा। तो ये सब चीजें हम स्लोली ये प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो अगर हम जाते हैं तो माई केवाईसी बैंक जो हम बोलते हैं तो पहले तो ये आता है कि मुझे केवाईसी क्यों करना है, ये केवाईसी चीज क्या है और मुझे क्यों करना है। जो केवाईसी चीज क्या है उसे तो हम आज की तारीख में तो सब जानते होंगे, क्योंकि केवाईसी जो है अगर मैं बैंक में खाता खोलने जाऊं या कहीं कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ करूं या फाइनेंशियल इसमें कुछ भी करूं तो मुझे केवाईसी करना पड़ता है। यही चीज हमें हमारे कस्टमर और हमारे सप्लायर के लिए करनी पड़ती है। तो जैसे एक बैंक या जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट केवाईसी अपने कस्टमर का करता है, हमें केवाईसी करना पड़ता है हमारे कस्टमर का और हमारे सप्लायर का। तो हमें क्यों करना पड़ता है, इसमें दो तीन कारण है। पहले तो हमें जानना है कि जो पार्टी है वो कोई फ्रॉड नहीं है और जेन्युइन पार्टी है, तो उससे हमें दिलासा मिलता है कि अगर हमें पूरी जानकारी हो वो पार्टी के बारे में तो हमें दिलासा मिलता है। दूसरा, अगर कोई इंडस्ट्री के प्रोग्राम में हो, अगर हम आरजेसी किया हो या अगर हम बीपीपी मेंबर हो या अगर हम कुछ फॉरेन रिटेलर के जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल हो तो हमें भी केवाईसी करना पड़ता है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है, ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है कि हम एएमएल प्रोग्राम रखें और एक केवाईसी करें। तो इंडिया में अगर आप जानते हो तो ग्लोबली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF, इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में बहुत बार आता है। तो इन्होंने हमारे इंडस्ट्री को यानी डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स को DNFBP यानी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस और प्रोफेशन का दर्जा दिया है। हमारे साथ दूसरे भी इंडस्ट्रीज हैं, आप रियल इस्टेट ब्रोकर पकड़ो या आप ट्रस्ट कंपनी पकड़ो या लॉयर्स पकड़ो, ये भी हमारे साथ ही आते हैं। तो FATF ने जो संगठन है उन्होंने बताया है कि हमारा जो इंडस्ट्री है उन्हें एक रिस्क बेस्ड अप्रोच एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में लेना पड़ेगा और एक प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। तो कोई भी आप रिस्क बेस्ड AML प्रोग्राम पकड़ो तो उसका एक अहम भाग जो होता है वो KYC होता है, और KYC में मोर स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सिर्फ कंपनी का नाम पता जानने में नहीं है, उनके ओनर्स और उनके आदमी जो कंपनी के पीछे है वो भी जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम देखें इंटरनेशनली सब जगह पे जो जहां पर हमारी इंडस्ट्री ज्यादा मजबूत है, जैसे अगर हम इजराइल बोले, चाइना बोले, हांगकांग बोले, यूएई बोले, तो
तो ये सब जगहों पे जब FATF ने जो उनका म्यूचुअल इवैल्यूएशन किया, म्यूचुअल इवैल्यूएशन यानी FATF आके वो कंट्री में देखती है कि आपकी जो संगठना है वो बराबर है कि नहीं, जो आपके लॉज हैं बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है, जो यानी बाहर के लोग आके देश की लॉज और उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, ये सब म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आप देखोगे कि हमारे इंडस्ट्री का नाम आता है कि अभी जैसे बैंक्स ऑर्गेनाइज होना चालू हो गए हैं वैसे ज्यादा ज्यादा हमारे इंडस्ट्री पे ध्यान आ रहा है कि ये इंडस्ट्री में और काम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री का जो रेगुलेशन है वो बढ़ना भी है। तो अगर आपकी कोई सिस्टर कंपनी यूएई में हो या आप कोई कंपनी जो यूएई में रह रहे हैं उनसे डील करते हो तो आप शायद जानते होंगे कि 31 मार्च तक में सब जेम एंड ज्वेलरी कंपनीज को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और अगर आप नहीं करते हो और वो जो वेबसाइट में जो लिखा है वैसे AML प्रोग्राम नहीं रखते हो तो आपको 50,000 से $1 million तक का फाइन लग सकता है। तो ये रही यूएई की बात। तो यूएई में भी अगर आप देखोगे तो वो आप बोलोगे कि आपको बेनिफिशियल ओनरशिप मानना जरूरी है, तो आपको मालूम होना है कि आप जिन डील कर रहे हो उनका बेनिफिशियल ओनरशिप आपके पास है या नहीं। अगर सॉरी टू इंटरव्यू बीच में, अगर थोड़ा इंग्लिश में ही बात करें तो कुछ लोग रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि पूरा हिंदी में है तो थोड़ा मैं समझ लूं। अच्छा ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो जो यूएई में है, अगर इफ यू लुक एट यूएई, वेरी रिसेंटली देयर हैव बीन अमेंडमेंट्स एंड द इंडस्ट्री और द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग कंपनीज टू रजिस्टर गो AML वेबसाइट ऑन यूएई। सो ऑल जेम एंड ज्वेलरी कंपनी, सो इफ यू हैव योर यू नो सिस्टर कंपनीज इन द यूएई, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू चेक द गो AML वेबसाइट देयर, बिकॉज दे हैव टू रजिस्टर। इफ दे डोंट देयर आर यू नो सीरियस पेनल्टीज टू बी पेड। इन इंडिया PMLA एक्ट जो है ये हमारे इंडस्ट्री में और इंडिया में PMLA एक्ट के अंतर्गत AML जो प्रोग्राम आता है वो कवर्ड है। अगर आप ये 2012 में पहली बार लॉन्च हुआ था या हमारी इंडस्ट्री 2012 में पहली बार आई थी, सो इन 2012 आवर इंडस्ट्री वाज कवर्ड। इन 2017 GST इंटेलिजेंस वाज अपॉइंटेड द रेगुलेटर। There were some, you might have also known that there are some discussions which and some rules which are applied in late December 2020 as well. So, India ka jo mutual evaluation hai, or the FATF mutual evaluation for India was supposed to happen last March. Obviously, because of COVID, it did not happen. Currently, it is scheduled for, I think, late 2021. So, 2021, we will have people coming in from outside who will look at all the laws in India and whether they are meeting the required standards. So, ये रही हमें KYC क्यों करना है? KYC क्या है और हमें क्यों करना है? अगर मुझे करना भी है, तो फिर मैं My KYC Bank क्यों join करूँ? इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे क्या benefit मिलता है? तो जैसे कि मैंने कहा, जो KYC करना पड़ता है, the KYC which you are supposed to do, today आप पेपर फॉर्म में लोगे या ईमेल पे लोगे या स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, मैं दो डॉक्यूमेंट मांगूंगा, someone else will ask for 5 documents, another person will ask for 10 documents, there is no clear standard in the industry, या इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड है नहीं। दूसरी चीज, अगर किसी ने मैं मांगा और मैंने मेरा पासपोर्ट कॉपी दिया भी तो मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे यूज हो रहा है, वो व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ दैट कॉपी ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स और द कॉपीज विच आई एम सेंडिंग। दूसरी चीज, जो आप अगर AML रेगुलेशन देखोगे जो यूएई में भी आया है, तो आपको ये भी चेक करना है कि वो कोई सैंक्शन लिस्ट में नहीं है। तो आप द पर्सन यू डील विद, आपका कस्टमर और सप्लायर, they should not be on any sanctions list, and this checking is not just a one time checking, this has to be a continuous checking. So if you are dealing with the person on a continuous basis, you need to continuously check that that company or the individuals concerned with that company are not on sanctions list. So how do you do this? aap jo chote company hai, main 2 log ya 5 log ka company chala raha hu, mujhe to itna resources hi nahi hai ye sab karne ke liye. jo bade company hai,
वो सब कर सकते हैं, जो एक आदमी को बिठा सकते हैं कि सिर्फ आप केवाईसी कीजिए, लेकिन जो छोटी कंपनी है वो कैसे करेंगे। द थर्ड थिंग, इंडस्ट्री इज ऑल इंटरकनेक्टेड। इंडस्ट्री में एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहर के आदमी कोई आया और एक हाथ ट्रांजेक्शन हुआ, सब ट्रांजेक्शन अपने अंदर और अंदर ही होते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं 100 लोगों के साथ डील कर रहा हूं, मैं उनका केवाईसी कर रहा हूं, वो मेरा केवाईसी कर रहे हैं, सो इफ आई एम डीलिंग विद 100 पीपल, आई एम डूइंग द केवाईसी फॉर देम, दे आर डूइंग द केवाईएस फॉर मी। नाउ दे विल बी डीलिंग विद 20 अदर पीपल, नाउ ऑल ऑफ देम इफ दे आर डूइंग द केवाईसी अगेन एंड अगेन, अ लॉट ऑफ एफर्ट इज वेस्टेड, बहुत एफर्ट वेस्ट हो रहा है इसमें। इसलिए हम लोगों ने जो केवाईसी प्लेटफॉर्म है वो बनाया है, यानी जो माई केवाईसी बैंक जो से एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उससे ये सब पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। तो माई केवाईसी बैंक जो प्लेटफॉर्म है क्या है, एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं मेरे खुद का केवाईसी मैं रजिस्टर करता हूं और मेरा खुद का केवाईसी कंप्लीट करता हूं। एक बार मैंने मेरा केवाईसी कंप्लीट कर दिया, फिर मैं जैसे मैं फेसबुक यूज करता हूं या लिंक्डइन यूज करता हूं या कोई भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, वैसे मैं एक दूसरे या मेरे काउंटर पार्टी के साथ मेरा केवाईसी शेयर कर सकता हूं। तो मेरे को मेरा जो मेन काम है, मेरा खुद का केवाईसी बराबर से करना है और उसको मेंटेन करना है। अगर मैं वो मेंटेन करता हूं, जो शेयरिंग का काम है वो बहुत आसान हो जाता है। आप आई एम श्योर आप लोग फेसबुक पे हो, यू आर ऑन फेसबुक, यू आर ऑन लिंक्डइन, यू आर ऑन मल्टीपल सोशल नेटवर्क साइट्स, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू शेयर योर केवाईसी विद योर काउंटर पार्टी इफ यू हैव डन योर केवाईसी थर्डली ऑन माई केवाईसी बैंक। जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो बेस्ट इन क्लास है, और जो वेरिफिकेशन के बाद आपको एक यूनिक माई केवाईसी बैंक आईडी नंबर मिलता है, जैसा ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा वो आपका आधार नंबर जैसा बन जाएगा, कि आपको अगर कंपनी को आइडेंटिफाई करना है वो आपका आधार नंबर बन गया, और जो इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो वो सीमलेसली शेयर हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो इसमें फायदे क्या है, एक तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो स्टैंडर्डाइज केवाईसी इंफॉर्मेशन आपके कनेक्शन का मिलता है, और आपको 24/7 कभी भी आप चाहो वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपके जो डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, आपका जो केवाईसी करना है, आपको एक बार ही करना है, आपको बार बार नहीं करना, आपको एक बार ही करना है। जब आप कनेक्ट करोगे दूसरे के साथ वो आपका केवाईसी शेयर हो जाएगा, तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको जो केवाईसी आपका पूरा करना है वो सिर्फ एक बार ही करना है। तीसरी चीज, हम लोग रेगुलरली पूछते हैं कि आपको केवाईसी आपका रीवेरीफाई करना है और अपडेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर 6 महीने आपको पूछा जाएगा कि आपका केवाईसी बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो आपको ओके बोलना है कि बराबर है, या तो फिर अगर कुछ चेंज है तो आपको चेंज करना है। जो आप केवाईसी लेते हो इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि जो केवाईसी है वो एकदम अपडेटेड है। तो केवाईसी विच यू रिसीव इज अपडेटेड, यू कैन सी द डेट ऑन विच द केवाईसी हैज बीन वेरीफाइड। हम लोग जो चेक करते हैं अगेंस्ट इंटरनेशनल सैंक्शंस लिस्ट, तो दूसरी तकलीफ है कि हमें कैसे जानना है, हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो आदमी है ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था, मुझे तो मालूम नहीं था, ये अब नहीं चलेगा। तो ये हम लोग जब हमारे पास आता है प्रोफाइल, हम लोग हर एक इंडिविजुअल का चेक करते हैं कि कहीं सैंक्शंस लिस्ट या मीडिया रिपोर्ट्स में, नेगेटिव रिपोर्ट्स में नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आप इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मेरा कोई केवाईसी देखता है मुझे पता लगता है, और जो केवाईसी जो शेयर होता है वो भी एकदम फुल प्राइवेसी के सब हम लोग ये कर सब फीचर्स के साथ शेयर होता है, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो ये रही केवाईसी प्लेटफॉर्म की बात, कि केवाईसी प्लेटफॉर्म है क्या। अभी मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, और कुछ लोग मैंने मैसेजेस में देखा, कुछ लोग अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस में हैं, तो आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो ये ब्रीफली है, आप ऑनलाइन आपका जीजेपीसी नंबर या बीडीबी नंबर या डीडी नंबर या एडब्ल्यूडीसी नंबर लेके आप रजिस्टर कीजिए, आपको एक टेम्पररी आईडी मिल जाएगा, उसके साथ आपको जो डिटेल्स आपको भरने हैं पूरे भर दीजिए,
और फिर आप एक्टिवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने एक बार एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो वो हमारे टीम के पास आता है, जो नयन है ये कॉल में, तो उनके पास, उनके टीम के पास आता है, वो चेक करते हैं, अगर कोई खामियां हैं तो वो आपको बोल देंगे। सो इफ देयर आर एरर्स यू विल गेट बैक सेइंग ये प्लीज फिल कीजिए। अगर सब परफेक्ट है तो आपको प्रोफाइल आईडी मिल जाएगा, आपको एक, अभी अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आपको IN करके एक नंबर मिल जाएगा जो आपका KYC आईडी है। एक बार आपको KYC आईडी मिल गया तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट से आप कनेक्शन करना चालू कर सकते हो, यानी आपका जो कस्टमर है या सप्लायर है उसको आप भेज के, जैसे आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजोगे आप भेज सकते हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका KYC उनको दिखना चालू होगा, उनका KYC आपको दिखना चालू होगा। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों लोगों की तकलीफें दूर कर रहे हैं। पैरेलली आपको एक फाइनल एक्टिवेशन का मेल आ जाएगा, इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट सेट मिलेगा, वो आप प्रिंट करके साइन और स्टैम्प करोगे। ओरिजिनल्स के साथ आप या तो हमारे ऑफिस में आओगे या तो GJPC ऑफिस में आओगे, जहां पर वो चेक करेंगे कि बराबर है। बराबर होने के बाद आपको ओरिजिनल्स वापस उधर ही वापस दिए जाएंगे और जो कॉपी है वो हमारे पास आएगी और एक फाइनल चेक के बाद आपको एक फाइनल एक्टिवेशन मिल जाएगा। अगर आपको तो ये हमारा प्रोसेस है। तो हम जब आप फिल करते हो तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगनी है और हम क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो पहले जो आपकी कंपनी है उसके आइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल्स, दूसरा आपका इंडस्ट्री बॉडी मेंबरशिप, तीसरे आपके जो भी लीगल आइडेंटिफायर्स हैं, तो पैन GST मैंडेटरी है, IS/IEC अगर हो, अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी आपको नंबर्स डालने हैं वो सब अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं, उसका सबका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ 3 types ऑफ इंडिविजुअल्स, 3 प्रकार के जो लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए, उनके 3 प्रकार के लोगों का हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं। फर्स्ट एंटिटी ओनर, यानी बेनिफिशियल ओनर या कंपनी किसकी, कौन कंपनी का मालिक है, जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और अल्टीमेट बेनिफिशियल। तो मैं यहाँ पे UBO का डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गेट इनटू द डेफिनेशन, यू कैन गो टू द वेबसाइट, देयर आर हेल्प डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। सो एंटिटी ओनर, एंटिटी कंट्रोलर यानी डायरेक्टर जो होता है या जो पार्टनर होता है वो एंटिटी कंट्रोलर होता है, जो डे टू डे कंपनी के काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जो तीसरा है वो एंटिटी ओनर है, सॉरी एंटिटी रिप्रेजेंटेटिव है, जो पीला वाला सर्कल देखते हो, थर्ड सर्कल इज एंटिटी रिप्रेजेंटेटिव। सो अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द कंपनी बट हु डज नॉट कंट्रोल और ओन द कंपनी। सो एक आदमी, वन पर्सन कैन बी एनी वन और ऑल 3 और एनी 2, ऑल द कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, बट आपको एक बार ही भरना है आदमी का जो पर्टिकुलर्स हैं। तो एक बार आपको उनके पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, आपको उनका आइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल्स हम मांगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं और उसके सब के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक क्वेरीज हो या कुछ भी तकलीफ हो, प्लीज support@mykyc.bank पे लिख दीजिए। अगर आपको कॉल चाहिए तो कोई कॉल भी कर लेगा आपको, अगर कोई एकदम स्पेसिफिक इशू है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो बैक एंड में हम लोग, हमारी टीम जो है वो चेक करती है। वो क्या क्या चीजें चेक करती है? पहले चेक करती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, आपके एक इसमें नाम एक लिखा है, दूसरे में नाम दूसरा लिखा है, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम आगे लाते हैं। और जो तीसरा है, जो इंटरनेशनल डेटाबेसेस है बोथ लोकल एंड ग्लोबल, कि किस कहीं सैंक्शन नहीं हुआ है, कहीं US ने कुछ सैंक्शन नहीं दिया है, या कहीं टेररिस्ट लिस्ट में नहीं है, ये सब चीजें भी हम लोग चेक करते हैं और इसके बाद हम लोग KYC का जो प्रोफाइल है वो क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आपको, जैसे मैंने कहा, आपको 1 महीना दिया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोविड की वजह से आपको कोई स्पेसिफिक दिक्कत हो तो प्लीज सपोर्ट पे आप मेल डाल सकते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इमीडिएटली आपका
अप्रूवल होने के बाद आप कनेक्ट करना चालू कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा प्रोसेस है। ये जो आपको अगर जो सैंपल पीडीएफ है, जो आपका प्रोफाइल अगर आपको देखना है, तो आपका प्रोफाइल ऐसे दिखेगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और जो वो मैं कवर भी कर लूंगा। जब हम चार्जेस पे आते हैं, जीजेपीसी ने अपने मेंबर्स के लिए ये साल तक का फ्री है, मेरे ख्याल से अगले साल का भी फ्री होने वाला है। तो जीजेपीसी मेंबर को कुछ चार्जेस भरने नहीं पड़ेंगे। अगर आप बीडीबी मेंबर हो या एडब्ल्यूडीसी एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर मेंबर हो, या अगर आप दुबई डायमंड एक्सचेंज के मेंबर हो, आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस लगेंगे। इंडिया में अगर हो तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो ये रही मैं अप्लाई कैसे करता हूं और कैसे मैं भरता हूं। तो एक बार मैं मेंबर हो गया, अभी मैं ये सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैसे करूं? हाउ डू आई मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द माई केवाईसी बैंक सिस्टम? आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोफाइल, आई हैव डन माई केवाईसी, हाउ डू आई एंश्योर और हाउ डू आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई केवाईसी बैंक? तो जो आपका खुद का केवाईसी करते हैं, वो पहला कदम है, वो आपका पहला स्टेप है सिस्टम में आने के लिए। जो सिस्टम है, जो माई केवाईसी बैंक द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू रिड्यूस योर एफर्ट्स इन कंप्लायंस और डेटा शेयरिंग। जो आपका कंप्लायंस एफर्ट्स हैं, जो आप कंप्लायंस करते हो, उसका काम कम करने के लिए ये बनाया गया है। आपको तीन चार चीजें इसमें, जो मेन चीजें हैं उसमें आपको फायदा होगा। एक, आप आपका प्रोफाइल शेयर कर सकते हो काउंटर पार्टी के लिए। सो जब आप कनेक्ट करोगे, और मैं बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे होता है, आप दूसरे पार्टी पे, जैसे आप फेसबुक या लिंक्डइन पे करते हो, जब आप कनेक्ट करोगे तो आपका प्रोफाइल दूसरे पार्टी के साथ शेयर हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको आप पीरियडिकली बोल सकते हो सिस्टम को कि अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप कभी भी चाहो तभी जाके चेंजेस कर सकते हो, या तो फिर आपको रेगुलरली बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई, जो मेरा प्रोफाइल है वो बराबर है। सो यू कैन रेगुलरली रीवेरीफाई दैट योर प्रोफाइल इज एक्टिव, और इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गो एंड चेंज योर प्रोफाइल। द थर्ड थिंग, जो आपके बैंकर्स हैं उनको भी केवाईसी की जरूरत है, सिर्फ आपके केवाईसी की नहीं, लेकिन आपके कस्टमर या सप्लायर की केवाईसी की भी जरूरत है, क्योंकि उनको भी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ता है। और ये सिस्टम आपको उनको आपके कस्टमर और आपके सप्लायर का केवाईसी का एक्सेस दे सकती हैं, तो आपका काम और उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके जो पेमेंट्स आते हैं वो भी, उसमें भी कोई अगर दिक्कत आ रही है वो भी कम हो जाएगी। और जो फाइनल है, जो आप हम जो सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें जो नॉन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके फिनेंशियल डेटा हो या आपका कोई सिस्टम ऑफ वारंटीज का हो, ये आप जब भी चाहो तभी आप उनको किसी आपके दूसरे के लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अप्रूवल बेसिस। ये जो शेयरिंग होगा, इसमें जब तक आप परमिशन नहीं दोगे वो शेयर नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्टली ऑन अप्रूवल बेसिस पे ही होगा, लेकिन ये आपका शेयरिंग का काम आसान करेगा और आपको पूरा कंट्रोल रहेगा कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हो आपका इंफॉर्मेशन। तो जो पहला स्टेप है आपने कंप्लीट किया, अभी जो दूसरा स्टेप है वो कनेक्शन का है। आप आपके दूसरे जो काउंटर पार्टी है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे? तो आप माई कनेक्शंस में जाके ऐड कनेक्शन करते हो, तो आपका एक जो आपका नंबर है, जो या काउंटर पार्टी का जो आपका कनेक्शन का नंबर है, वो आप नंबर डालोगे तो वो आप उसके बाद आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपके उसमें या आपके प्रोफाइल में, आपके होम पेज में आपका एक QR कोड भी होगा, उसका भी आप अगर प्रिंट उसको सेव QR कोड करके आप अगर आपके ऑफिस में लगा दोगे तो भी कोई उसका QR कोड स्कैन करेगा तो उसके साथ उसका उसको लॉगिन पेज पे आएंगे, वो लॉगिन करके आपको इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जो आपके रिक्वेस्ट आपने भेजे हो या जो आपने रिसीव किए हो,
वो आपके सेंट बॉक्स और रिसीव बॉक्स में दिख जाता है। तो वो मैंने सर्कल किया है कि जैसे आप फेसबुक बोलिए या आपका लिंक्डइन बोलिए, तो आपके इनबॉक्स और आउटबॉक्स में ये सब दिख जाएगा। जो तीसरी चीज है वो है, एक बार आपने कनेक्शन कर दिया तो आप व्यू कनेक्शंस पेज या व्यू कनेक्शंस का जो ऑप्शन है उसमें जा सकते हो। आपके व्यू कनेक्शंस में आप कोई भी आपका पार्टी का नाम सर्च कर सकते हो या और उसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिल जाएंगी जो मैंने नीचे सर्कल की हुई है। पहला, आपको उनके नंबर ऑफ कनेक्शंस का रेंज मिलेगा। तो अगर आदमी सिस्टम में एक्टिव हो, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हो, तो आप जान सकते हो कि हाँ भाई वो धंधे में है, वो रेगुलरली धंधा कर रहा है, वो दूसरों के साथ सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये आपको इधर नंबर ऑफ कनेक्शंस, यहाँ पे मैंने 0 to 10 जो सर्कल किया है, इधर आपको जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं ऑलरेडी 500 प्लस कनेक्शंस हो चुके हैं उनके सिस्टम में, तो वो आपको दिख जाएगा कि क्या रेंज है जहां पे जितने कनेक्शंस वो कंपनी के हो चुके हैं। जो दूसरी चीज है जो आपको बताती है कि जो वेरीफाइड ऑन, ये डेट बताती है, वेरीफाइड ऑन डेट यानी लास्ट टाइम वो आदमी ने कभी बोला कि उसका केवाईसी बराबर है, या लास्ट टाइम उसने कभी बोला कि और या उन्होंने कभी अपडेट किया उनका केवाईसी, ये डेट आपको दिख जाएगा। ये बताता है कि वो कितना आदमी सिस्टम पे लाइव है और कितना चेक कर रहा है। अगर ये बहुत पुराना है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पूरा वो सिस्टम को, प्रोफाइल को लॉक करना भी चालू कर देंगे, लेकिन करंटली हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत पुराना प्रोफाइल है, तो आप उनको फोन करके पूछ सकते हो कि भाई आपका केवाईसी बराबर है कि नहीं, प्लीज सिस्टम में अपडेट कीजिए। तो ये आपको बताता है कि आपका जो काउंटर पार्टी है उसका प्रोफाइल कितना रीसेंट है, कितना नया है। तो एक बार आपने, जैसे मैंने कहा, आपका कनेक्शंस आप देख सकते हो, तो जब भी आप माय कनेक्शंस में जाओगे, व्यू माय व्यू कनेक्शंस में, तो आपको जो अगर केवाईसी का जो बटन है जो आप क्लिक करते हो, आपको कभी भी या कहें कौन से भी वक्त आप वो क्लिक करोगे, आपको उनका 2 पेज का बेसिक प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल है ये आपको 2 पेजेस में सब इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको पीडीएफ विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो नीचे के इसमें देखोगे तो पीडीएफ विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करके एक बटन है, वो आप क्लिक करोगे तो वो आपके काउंटर पार्टी को एक रिक्वेस्ट जाएगा कि आपको पूरा केवाईसी चाहिए उनके सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जो भी जीएसटी डॉक्यूमेंट है, पैन का डॉक्यूमेंट है, इंडिविजुअल्स का डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट का कॉपी उनको जाएगा, लेकिन ये आपके इन पहले आपके इनबॉक्स में जाएगा और आपको वो चेक करना पड़ेगा या आपको वो ओके करना पड़ेगा, तब जाके उनको ये 1 हफ्ते के लिए उनको समय दिया जाएगा जहां पे वो एक्टिव रिक्वेस्ट, और मैंने वो भी सर्कल किया है, आप उनके एक्टिव रिक्वेस्ट में उनको दिखेगा कि ये मेरा एक्सेस अवेलेबल है मेरे कस्टमर का या मेरे सप्लायर का। इसमें आपको पूरा कंट्रोल होता है कौन देख सकता है आपका पूरा केवाईसी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप अलाउ करते हो वो एक टाइम पीरियड में ही आपको दिख जाएगा। जो तीसरी चीज है, आपके अगर मेनू में देखते हो तो एक केवाईसी व्यू भी ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो जब भी कोई आपका केवाईसी डाउनलोड करता है, वेदर 2 पेजर और फुल केवाईसी, आपको इमीडिएटली दिख जाता है कि ये आदमी ने ये टाइम पे वो केवाईसी डाउनलोड किया। जब आप, मैं बोलता हूं कि आपका केवाईसी डाउनलोड किया, तो जो केवाईसी होता है वो एक पीडीएफ फाइल में आता है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। यानी अगर मैंने आपका केवाईसी देखा तो मेरे नाम से वो पासवर्ड आएगा, तो अगर कोई मिसप्लेस करता है तो पासवर्ड से इजीली पता लग सकता है। दूसरा चीज, जो पीडीएफ आता है उसमें वाटरमार्क आता है, यानी पीडीएफ में मेरा नाम या मेरे कंपनी का नंबर लिखा जाएगा, तो एकदम आसानी से पता लगता है कि अगर कोई फिजिकल हार्ड कॉपी है तो उसमें दिख जाएगा कि ये कंपनी या ये केवाईसी कौन से कंपनी ने प्रिंट आउट ले लिया है। तो अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो बहुत आसानी से आपको पता लग सकता है।
और तीसरी चीज जैसे मैंने कहा देयर इज फुल ट्रांसपेरेंसी कि आप कोई किसने आपका हिस्ट्री देखा है या किसने आपका केवाईसी देखा है उसका आपको फुल हिस्ट्री मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ जाता है कि अगर कि देखने के लिए कि किसने क्या देखा। तो ये रही आप कनेक्ट कैसे करते हो और केवाईसी कैसे देखते हो। जो दूसरी बात है वो आपका खुद का केवाईसी और जो काउंटर पार्टी का केवाईसी उसको करंट रखना। तो अगर आपके केवाईसी में कुछ चेंजेस हो तो आप कभी भी जाके केवाईसी चेंज रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सेम प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन क्या इंफॉर्मेशन आपने चेंज किया वो कोई चेक करेगा, एक बार चेक करने के बाद वो सबको मिल जाएगा। दूसरा चीज है एवरी 6 months अगर कोई चेंज नहीं हुआ हो आपके केवाईसी में तो सिस्टम आपको पूछेगा कि भाई आपका केवाईसी बराबर है। अगर बराबर है तो आपको एक सिंपल ओटीपी आएगा, उसको आपको डालना है उधर के उधर और आपको कंफर्म करना है कि केवाईसी बराबर है। तो सिस्टम ले लेगा कि आपने रीवेरीफाई किया है कि आपका प्रोफाइल लाइव है या करंट है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि केवाईसी ऐसी चीज नहीं है कि हर 6 महीने या हर 2 महीने चेंज हो, लेकिन हो सकता है कि कभी आपका एड्रेस चेंज हुआ हो या आपका पार्टनर या डायरेक्टर चेंज हुआ हो तो आप तभी जाके सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। हर 2 साल आपको ये बताना है कि जो आपका प्रोफाइल है वो डिक्लेरेशन, वो एक 2 पेजर जो मैंने बोला उसको, उसका एक कॉपी आपको डाउनलोड करके साइन और स्टैम्प करके अपलोड करना है कि भाई मेरा केवाईसी सेम है और चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कभी भी अगर चेंज हो तो आप जाके सिस्टम में चेंज चेक कर सकते हो। और केवाईसी ये सिस्टम की ये खूबी है या दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम कि आपको एक बार ही करना है। यू नीड टू डू योर रीवेरिफिकेशन और चेंजेस ओनली वंस। आपके सब कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा कि आपका ये चेंज हो गया, प्लीज जाके केवाईसी देख लीजिए। तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ हो या डायरेक्टर चेंज हुआ हो, सब आपके कनेक्शंस को इमीडिएटली वो चला जाता है। और आप आपके होम पेज पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो अगर आप रोज या हर 2 दिन या हर 3 दिन अगर लॉग इन कर रहे हो सिस्टम में तो आपको दिख जाएगा कि ये सब चेंजेस है, उनके केवाईसी का आप प्रिंट ले सकते हो या सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। तीसरी चीज जो मैंने कहा कि आपके बैंक का आप काम बहुत आसान कर सकते हो, तो बैंक्स को FATF के अंडर और इन इंडिया PMLA के अंडर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। अगर उनको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो तो उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। नाउ ये चीज के लिए या ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए अगर उनके पास जो काउंटर पार्टी है उसका KYC एक्सेस हो तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो देख सकते हैं हाँ ये भी जेन्युइन पार्टी है इंडस्ट्री में, ये जो नंबर्स है ये ऐसे, या फॉर एग्जांपल किसी ने आपको 1 मिलियन या 3 करोड़ या 2 करोड़ का बाहर का आपका इनवर्ड आया बाहर से पैसा, तो बैंक को चेक करना है ये बराबर है कि नहीं। अगर वो KYC काउंटर पार्टी का KYC उनके पास है तो आपके डीलेज है वो बच सकते हैं और उनका काम भी आसान हो सकता है। इसके लिए बैंक्स को एक स्पेशल एक्सेस दिया गया है जहां पे वो अगर आपका बैंक आपसे कनेक्टेड हो तो वो आपके कस्टमर और सप्लाई यानी आपके कनेक्शंस का भी KYC देख सकते हैं उनके प्राइवेसी सेटिंग्स के अनुसार। सो अगर आपके कस्टमर ने कुछ प्राइवेसी सेटिंग सेट किया हो उसके अनुसार वो देख सकते हैं उनका KYC अवेलेबल है कि नहीं। तो चौथी बात जो मैंने कही कि ये जो KYC के साथ दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने बोला शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आप ये भी शेयर कर सकते हो। दीज आर सम प्रीडिफाइंड काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो क्रेडिट रेटिंग आप शेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट P&L शेयर कर सकते हो, आपका RJC सर्टिफिकेट शेयर कर सकते हो, आपका सिस्टम ऑफ वारंटी शेयर कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको अगर जो लगती हैं शेयर करने के लिए आपके काउंटर पार्टी के साथ वो भी आप सिस्टम में डाल सकते हो। जो टीम है वो सिर्फ चेक करेगी कि आप अगर P&L और बैलेंस शीट बोल रहे हैं तो जो दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसे दिख रहा है,
जो डेट है वो बराबर है कि नहीं, सिर्फ वही चेक करेगी और कुछ नहीं चेक करती। इसमें आपको रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ही चला जाता है। तो आपका काउंटर पार्टी आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज मुझे देखना है, आपने ओके किया तभी वो जो डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल में अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं। एक हफ्ते के समय मिल जाता है जहां पे ये डॉक्यूमेंट्स आपका काउंटर पार्टी देख सकता है। तो ये फ्रीली शेयर्ड नहीं है, अगर आप ओके दोगे तो ही आपके कस्टमर को या सप्लायर को मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो शेयरिंग का काम है वो ऑब्वियसली आसान हो जाता है, जो सिक्योरिटी पार्ट है वो भी कवर हो जाता है। तो ये रहा केवाईसी में कैसे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज कर सकता हूं, हाउ कैन आई यूज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। सो इसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप। सो करंटली ओवर 4000 मेंबर्स का केवाईसी कंप्लीटेड है, सिस्टम में है, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मेंबर्स AWDC, BDB, दुबई डायमंड एक्सचेंज और GJPC के मेंबर है। 2 इंटरनेशनल बैंक्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में है, दूसरे इंटरनेशनल बैंक्स के साथ बात चालू है कि वो भी सिस्टम, दूसरे बहुत इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बैंक्स के साथ बात चालू है कि वो भी प्लेटफॉर्म में आ जाए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, और ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि ये आप हमें मदद कीजिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स है जो सिस्टम में, अगर आप मेन पेज पे जाओगे तो प्रोसेस में आप डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स देखोगे कि ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, प्लीज वो डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स फॉलो कीजिए। दूसरी चीज, जब आप सबमिट करते हो तो प्लीज कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तीसरी चीज, अगर हम लोग जब रिजेक्ट करते हैं तो स्पेसिफिक रीजन देते हैं कि ये चीज के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है, तो प्लीज वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करने के बाद ही आप रिसबमिट कीजिए, क्योंकि हर बार जब आप देते हो तो किसी को पूरा सब जांच करनी पड़ती है। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो, आपको पूरा KYC आपका हो गया है, तो पहले तो बधाई हो, और दूसरी चीज जो आपने, एक तो आपको रीवेरिफिकेशन करना है, अगर आपने एक साल पहले किया जब आप लॉग इन करोगे तो आपको बोलोगे कि प्लीज OTP के साथ रीवेरीफाई कीजिए, तो प्लीज वो आप कीजिए, तो आपके जो काउंटर पार्टीज है उनको भी जान पड़े कि ये जो इंफॉर्मेशन है सब करेक्ट है, सब बराबर है। दूसरा चीज, अगर आपको रिक्वेस्ट आए हो कनेक्शन के लिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये लोगों ने आपके साथ धंधा किया है इसलिए आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज जितना हो सके आप कनेक्शंस करते जाइए, उतना आपका काम आसान हो जाएगा, आप कंप्लाई भी कर पाओगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो ये मेरी दरख्वास्त है, और अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वेबिनार में हो, आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, हमारे FAQ पेज पे जा सकते हो, या YouTube में भी वीडियोस हैं कि आप कैसे भर सकते हो, कैसे कनेक्शन कर सकते हो। तो एनी ऑफ दिस प्लीज फील फ्री टू गो एंड यूज। सो थैंक यू एवरीवन। मैंने ट्राई किया इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बात करने के लिए, तो अभी अगर कोई क्वेश्चंस है तो वी विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैन, आर देयर क्वेश्चंस? ऐसा तो कोई क्वेश्चंस नहीं है प्रणय, बट देर आर सम इश्यूज, नॉट एक्चुअली इश्यूज बट अ जनरल कमेंट्स। वन ऑफ देम इज, विल दिस KYC बी एक्सेप्टेड बाय बैंकिंग एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स टू? राइट, सो अगेन लेट मी क्लैरिफाई, बैंक्स बाय लॉ हैव टू डू देयर ओन KYC। तो अगर आप अकाउंट खोलने जाओगे तो उनका काम बनता है कि वो खुद का KYC करे। ये मैं आप कोई भी साइड ट्रैक नहीं कर सकते, तो वो आपका KYC डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए दिस KYC शुड बी सफिशिएंट, बिकॉज दिस KYC मीट्स ऑल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। तो हमारा जो आपको KYC करना है इंटरनेशनल पार्टी का, उनको आपका KYC करना है, उसके लिए सब रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। कोई क्वेश्चंस अगर हैं मेंबर्स के तो आप
प्लीज आप सपोर्ट एट माई केवाईसी बैंक पे मेल डाल दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, कॉल के लिए कोई ना कोई आपसे बात कर लेगा स्पेसिफिक आपका इश्यू रिजॉल्व. Pranay, that call was actually regarding the person who has name change. So, उन्होंने अपना कुछ नाम चेंज किया है और उन्होंने कहा कि मेरा गैजेट जो कॉपी है वो आप एक्सेप्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली एज पर प्रोसेस गैजेट कॉपी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी. सो हमने उनको कहा है कि आप जो है अपना नाम जो है वो डॉक्यूमेंट में चेंज करवाइए. उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का डिटेल्स तो नहीं दिया है, तो उनको स्पेसिफिक आंसर भी हम नहीं दे पाएंगे. अगेन दिस इज अ जनरल कॉल, आई डोंट वांट टू डिस्कस स्पेसिफिक इश्यूज बिकॉज ऑब्वियसली अगेन प्राइवेसी थिंग्स आर आल्सो देयर. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज टेक इट ऑफलाइन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल दैट पार्टी. श्योर श्योर. So there's one question, can we go to the website and initiate? So yes, you can use your BPID given by GJPC. You can go online and register and then you will have to complete, as I mentioned, the entire process you can complete online and then submit the documents and the site for. मेंबर्स को मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपके क्वेश्चन आए थे उन्होंने भी आपको अपने डिस्कशन के दौरान बताया, आने वाले आगामी 2021 22 के लिए भी जो जेजेपीसी के मेंबर्स हैं उनको माई केवाईसी की फीस नहीं भरनी है. माई केवाईसी उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. तो जस्ट फॉर आपके जानकारी के लिए आप केवल मेंबरशिप रिन्यू कर देंगे, उसके साइमल्टेनियसली आप माई केवाईसी की जो कंप्लायंस प्रोसेस है अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उसको हटा दिए और आप मेंबरशिप के भी बेनिफिट एंजॉय कर पाएंगे और माई केवाईसी का भी आपके पास आईडी कार्ड. थैंक यू सो मच प्रणय जी. और कोई क्वेश्चंस अभी हमारे पास में नहीं है, तो मुझे लगता है कि लगातार जो आपका प्रयास रहा है उससे मेंबर्स अच्छी तरह से माई केवाईसी के इस एंटायर प्रोसेस को समझ पा रहे हैं और जैसे रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट होगा मुझे लगता है फिर से लोगों के चैलेंजेस उसमें कुछ हम नोटिस करेंगे. तो 10 अप्रैल के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो मैं निश्चित तौर पर एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से मेंबर्स से जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि जैसे रिन्यूअल होगा उस वक्त उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गली और लोगों तक पहुंच रही है तो उनके चैलेंजेस भी सामने आएंगे और हम उस वेबिनार में इस चीज को एड्रेस करेंगे. आप कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज. Yes, just एक चीज आई थिंक कुछ लोगों ने पूछा था कि इंग्लिश का प्रेजेंटेशन ये ऑफकोर्स हिंदी में था इसलिए मैंने मेनली हिंदी में बात की, लेकिन अगर आप इंग्लिश चाहो तो हमारे वेबसाइट पे या जा सकते हो या अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो. वहां पे मैंने एक प्रेजेंटेशन AWDC के मेंबर्स को किया है, वहां वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा. थैंक यू प्रणय जी. मुझे लगता है कि लगभग हमारी सराहना भी समाप्ति की तरफ है, तो फिर से मेंबर्स को धन्यवाद देते हुए, आपको भी धन्यवाद, हमारे एंटायर टीम को धन्यवाद देते हुए हम सब विदा लेते हैं. अगर आपके कोई प्रश्न है निश्चित तौर पे आप जो है आप काउंसिल के मेंबर्स खास करके आप हमें पूछ सकते हैं. दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट जानकारी सारे मेंबर्स के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी क्वेरी को हमारे कॉल सेंटर के थ्रू जो है आप अपने अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो. आप 24/7 हमारा कॉल सेंटर ऑपरेशनल नहीं है लेकिन उसके मिस कॉल अलर्ट की सुविधा दी गई है. आप किसी भी समय उसमें अपने ऑथराइज नंबर से मिस कॉल दे दीजिए, जैसे ही हमारे कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो आपको कॉल करेंगे, आप अपनी आवश्यकता को बताइए उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आंसर मिल जाएगा. तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी कॉल सेंटर्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कतें आपको फेस हो रही है मेंबरशिप रिन्यूअल के दौरान या माई के वाइस से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं तो आप कॉल सेंटर की पूरी हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू सो मच मेंबर्स को यहाँ ज्वाइन होने के लिए, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं. ओके प्रणय, धन्यवाद सबका. धन्यवाद सर सबका.